हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सब मज़े में? गुड। नाउ आई होप आप लोगों ने चैप्टर 6 डिवीज़न एक्टिविटी 1 से लेके एक्टिविटी 9 जो है वो अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर ली होगी। ओके, मैं मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और डिवीज़न फैक्ट दोनों की प्रैक्टिस करते रहना और प्रॉपर्टीज़ अगेन रिवाइज कर लेना। तो हम अब आगे एक्टिविटी 10 स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है ये, इसमें मैच मेकिंग दिया है, आपको मैच मेकिंग करना होता है। ये तो आप सबको बहुत अच्छे तरीके से आता है मैच मेकिंग करना, तो एम आई राइट? तो स्टार्ट करते हैं। 72 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 के टेबल बोलते जाना है जब तक 72 आए, ठीक है? 9 8 72, इसलिए 9 को हम 8 के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट 6 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 1 6 होता है, इसलिए हम 1 के साथ मैच किया है, 6 1 6। 15 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 का टेबल बोलो 15 कब आता है, 5 1 5, 5 2 10 और 5 3 15, इसलिए यहाँ पे 3 पे मैच किया है, ठीक है? नाउ 48 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 का टेबल बोलते जाओ तो 6 8 48 आता है, इसलिए यहाँ पे हमने 8 के साथ इसको मैच किया है। लास्ट वन इज़ 81 डिवाइडेड बाय 81, तो 81 और 81 कब आएगा, देन 81 1 81, है ना? यहाँ पे 6 1 6 आया था, उसी अकॉर्डिंग 81 1 81, तो हम यहाँ पे 1 के साथ मैच करेंगे। उसी तरह से राइट साइड भी आपको दिए है, उसका भी देखो, 9 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या करोगे, 3 का टेबल बोलो, ये 9 जो है ना वो डिविडेंड है और ये 9 3 जो है वो डिवाइज़र है, 9 डिविडेंड है, 3 डिवाइज़र है, तो आप 3 का टेबल बोलोगे, जो डिवाइज़र होता है उसी का टेबल बोलते हैं। तो 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 3 9, देखो, इसलिए हमने यहाँ पे 3 के साथ मैच किया है। नेक्स्ट 24 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 का टेबल बोलते जाओ जब तक 24 आए, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20 और 4 6 24, इसलिए हमने 6 के साथ इसको मैच किया है। नाउ 0 डिवाइडेड बाय 14, तो आपको पता है कि डिविडेंड में जब कभी भी 0 होता है ना, और डिवाइज़र में जो होता है तो आंसर 0 ही आता है, तो 14 0 0। नेक्स्ट 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 का टेबल बोलो जब तक 16 आए, तो 2 1 2, 2 2 4, ऐसे करते करते आपको 2 8 16 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट 54 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 के टेबल में 6 9 54। ओके, देन आपको इसी अकॉर्डिंग मैच मेकिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 1, लेट वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस, तो आपको बताना है कि ये ग्रेटर देन है, लेस देन है या इज इक्वल टू है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले आप इन दोनों का जो भी मल्टीप्लाई करते हो उसका आंसर यहाँ पे मेंशन कर लो, जैसे मैंने किया है। सी, यहाँ पे मैंने क्या किया है, 6 9 54। ओके, तो आप भी इसी अकॉर्डिंग राइट कर लोगे, 6 9 54, उसके बाद 7 8 56। अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पे 54 आया, यहाँ पे 56 आया, तो 54 और 56 में कौन बड़ा है, तो 56 है ना, 56 बिगर है, तो 56 पे हम लाइन करेंगे। फिर बी में 4 6 24 एंड 6 4 भी 24, देखो ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ है,
फोर आगे किया, सिक्स बाद में किया, यहाँ सिक्स आगे किया, फोर बाद में किया, देन आंसर भी सेम। तो 24 24, तो वो आएगा इज इक्वल टू, बोथ आर सेम डिजिट। तो सी 50 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 फाइव ज़ा 50। ध्यान रखो यहाँ पे मल्टीप्लाई था ये, हाँ यहाँ क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ध्यान रखना, यहाँ पे डिवाइड आ गया। तो आप खास, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे डिवाइड है या मल्टीप्लाई, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपना आंसर लाओगे। यहाँ डिवाइड है इसलिए हम 10 का टेबल बोलते हैं, तो 10 फाइव ज़ा 50 होता है, देन आंसर इज़ 5। एंड यहाँ मल्टीप्लिकेशन है सी, तो 5 10 ज़ा 50, तो 50 बिगर देन 5, 50 बड़ा है ना, इसलिए हमने 50 की तरफ किया है। नाउ डी 0 डिवाइडेड बाय 15, डिवाइडेड है यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ पे ओनली 15 दिया है, क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन तो ऑलरेडी 15 ही है, बट इसका हमें करना पड़ेगा। तो 0 डिवाइडेड बाय 15 यानी आंसर 0 ही होता है। तो अब आप बताओ 0 बिगर है या 15, 15 बिगर है, इसलिए इस तरफ करेंगे। नेक्स्ट ई 9 मल्टीप्लाई 3, 9 थ्री ज़ा 27, और यहाँ पे क्या दिया है 30 30, तो 30 30 वही आंसर है ना, उसका कोई मल्टीप्लाई है ना कोई उसका डिवाइड है, तो वो आंसर ही है, मतलब क्वेश्चन बोलते हैं, जैसे हम डिवाइड में क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया था आपका, ना क्वेश्चन ये 9 3 ज़ा है, देन ये प्रोडक्ट है 27, तो 27 और 30 में बिगर क्या है 30। एफ 45 है, तो 45 एज इट इज़ ही रहेगा, 5 8 ज़ा 40 होता है, नाउ 45 बिगर देन 40, इसलिए हमने 45 पे ग्रेटर देन किया है। ओके, क्वेश्चन सेकंड आपको इस अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। 64 डिवाइडेड बाय 8, ए फिल इन द ब्लैंक्स आपको दी है, 64 डिवाइडेड बाय 8, 8 का टेबल बोलो, 8 8 ज़ा 64, देन आंसर इज 8। बी 56 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स, 7 8 ज़ा 56, 8 आंसर आएगा। सी 14 डिवाइडेड बाय फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 7, कोई बात नहीं, हम यहाँ थे जब 2 का टेबल बोलते थे, अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दी है तो 7 का बोलेंगे, 7 2 ज़ा 14। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे आपको जब कभी डिविडेंड फाइंड आउट करना होता है तो आप क्या करते हो, 9 मल्टीप्लाई 5, या तो फिर 5 मल्टीप्लाई 9, देन आंसर इज 45। ई 72 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 का टेबल बोलो, 72 कब आता है, 8 9 8 ज़ा 72। एफ 40 डिवाइडेड बाय फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 4, 4 का टेबल बोलो, 40 कब आएगा, नाउ 4 10 ज़ा 40, इसलिए हम राइट करेंगे 10। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो आपकी एक्टिविटी 10, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करोगे, और अगर आप अदर प्रैक्टिस करना चाहो तो आपकी रफ नोटबुक में डिजिट चेंज करके कर सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी 11, मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखो वर्ड प्रॉब्लम आ गए, ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है इस वर्ड प्रॉब्लम में मल्टीप्लाई आएगा या डिवाइड आएगा। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड डिसाइड वेदर टू मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली आप उसको रीड करो और फिर डिसाइड करो कि इसमें क्या आएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज
Nine hens laid 63 eggs. If each hen laid the same number of eggs, how many eggs were laid by each hen? Nine hens जो है उसने 63 एग दिए है, देखो है ना, ऐसी nine है. If each hen laid, मतलब एक अगर hen होती तो उसने same number पे एग दिए है तो कितने होंगे वो हमें फाइंड करने हैं. नाइन हैन का दिया है, वन एक का फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. पता है ना, जब बहुत ज़्यादा दिया होता है और अगर हमें एक का फाइंड करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं. तो 63 डिविडेंड अंदर राइट करेंगे और डिवाइज़र में नाइन करेंगे. देन नाइन का टेबल बोलते जाओ, नाइन वन ज़ा नाइन, नाइन टू ज़ा 18, उसी अकॉर्डिंग नाइन सेवन ज़ा 63, नाइन सेवन ज़ा 63 आएगा. देन आंसर इज़ 0 आएगा. 63 माइनस 63 0 हो जाता है. तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, 7. तो ये जो 7 है तो यहाँ पे राइट करना है एंड आंसर में आएगा ईच हैन लेड 7 एग, यानी एक हैन, एक मुर्गी जो है वो 7 अंडे देती है. ओके, नेक्स्ट. सेकेंड, द शॉपकीपर पैक्स 6 पेंसिल इन 1 बॉक्स. ध्यान रखो, यहाँ पे शॉपकीपर जो है 6 पेंसिल एक 1 बॉक्स में पैक करता है. हाउ मैनी पेंसिल्स विल बी रिक्वायर्ड टू पैक 5 सच बॉक्सेस. तो उसको 5 बॉक्सेस पैक करने हैं तो उसको कितनी पेंसिल ज़्यादा मतलब रिक्वायर्ड होगी. हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक बॉक्स का दिया है आपको और 5 बॉक्स आपको फाइंड आउट करने हैं, यानी एक दिया है ज़्यादा ढूंढने हैं. तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो हम राइट करेंगे 6 पेंसिल मल्टीप्लाई बाय 5 बॉक्सेस. तो 6 5 सा 30, देन आंसर इज 30. तो 30 पेंसिल्स विल बी रिक्वायर्ड, हमें कितनी पेंसिल्स चाहिए 5 बॉक्स के लिए, 30. नेक्स्ट, तानिया यूजेस 8 बीड्स टू मेक 1 ब्रेसलेट. तानिया जो है उसको 8 बीड चाहिए एक ब्रेसलेट बनाने में. 1 ब्रेसलेट की बात हो रही है, ध्यान रखना. हाँ, हाउ मैनी बीड्स विल शी नीड टू मेक 8 सच ब्रेसलेट. अगर उसको ऐसे 8 ब्रेसलेट बनाने हो तो उसको कितनी बीड्स की ज़रूरत होगी. तो क्या होगा, देखो 1 का दिया है और 8 ब्रेसलेट का फाइंड करना है. तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. देन 8 मल्टीप्लाई 8, 8 ज़ा 64. तो टोटल नंबर ऑफ बीड्स नीडेड इज 64. उसको ऐसी बीड्स कितनी चाहिए, 64. द लास्ट वन इज, मोहन स्पेंट रुपीज 50 टू बाय सम चॉकलेट्स. मोहन 50 रुपीज खर्च करता है, कितनी चॉकलेट्स खरीदता है वो, 50 रुपीज़ में वो खर्च करता है चॉकलेट खरीदने के लिए. इफ़ ही बॉट 5 चॉकलेट्स इन टोटल, अगर वो टोटल 5 चॉकलेट्स खरीदता है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट. तो एक चॉकलेट की कॉस्ट क्या होगी. तो क्या करेंगे, बहुत सारा दिया है और एक चॉकलेट की कॉस्ट फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड. तो 50 डिविडेंड में हम राइट करेंगे अंदर और 5 डिवाइजर की प्लेस पे अब हम क्या बोलेंगे, 5 का टेबल. नाउ 5 वन ज़ा 5 से बोलते बोलते आप जाओगे ना तो 5 टेन ज़ा 50 आएगा. तो 50 माइनस 50 आंसर इज 0, है ना, आंसर 0 हो जाए. तो आपको पता चला इसमें डिवाइड क्यों किया हमने. ठीक है,
बहुत सारा दिया है और वन फाइंड करना है ना, इसलिए हमने डिवाइड किया। देन कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट इज रुपीज़ 10, तो वन चॉकलेट की कितनी होगी रुपीज़ 10 रुपीज़। ठीक है, जैसे मैं आपको पूछती हूँ ना कि एक चॉकलेट का 10 रुपीज़ है तो 5 का कितना, तो आप क्या करोगे, सीधा मल्टीप्लाई करके 50 कर देते हो। तो उसमें मल्टीप्लाई किया आपने क्योंकि एक का पूछा था, ठीक है, और यहाँ पे पूछा है 5 का 50 है तो 1 का कितना, तो हम उसका ऑपोजिट करेंगे यानी डिवाइड कर देंगे। तो इसी अकॉर्डिंग ये आपकी जो एक्टिविटी 11 वर्ड प्रॉब्लम है ये आपकी कंप्लीट करनी है। आपको ये आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रिवाइज करना चाहो तो क्वेश्चन की डिजिट चेंज करके अपनी रफ नोटबुक में कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर डिवीजन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।